नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। छप्पन इंच का सीना 5.6 इंच का हो जाएगा, राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 56 इंच की छाती 6 महीने में 5.6 इंच की रह जाएगी। हम संसद में भूमि बिल को पास नहीं होने देंगे, किसानों की 1 इंच जमीन नहीं जाने देंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा पर भी तीखा हमला करते हुए राहुल ने कहा कि राजस्थान की ललित मोदी सरकार का रिमोट तो लंदन में है, वहां वह बटन दबाता है तो यहां वसुंधरा जी कूदती हैं। उन्होंने कहा कि ललित मोदी से वसुंधरा के कारोबारी रिश्ते हैं। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब उन्हें ललित मोदी को वापस लाना चाहिए। पीएम मोदी ने ली दामादवाद और परिवारवाद पर चुटकी। नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद की राजनीतिक संस्कृति पर चुटकी ली और भूमि सौदों के कारण विवाद में आए सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिए बिना कहा कि आज हम जानते हैं कि दामादों के कारण क्या क्या बातें होती हैं। जम्मू के जोरावर सिंह स्टेडियम में आयोजित कांग्रेस के दिवंगत नेता गिरधारी लाल डोगरा शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि दामाद ससुर के कारण नहीं और ससुर दामाद के कारण नहीं जाने जाते, वरना इतने समय में कभी तो अरुण जेटली का मन किया होगा, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे को इससे अलग रखा। उल्लेखनीय है कि जेटली गिरधारी लाल के दामाद हैं। मोदी ने कहा कि गिरधारी लाल सार्वजनिक जीवन में देशभक्ति की प्रेरणा से आए थे। वे तब आए थे जब लेना पाना बनना कोई मायने नहीं रखता था। समारोह में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह, गुलाम नबी आजाद आदि मौजूद थे। भारत पाक सीमा घटनाक्रम पर अमेरिका की करीबी नजर। अमेरिका ने कहा है कि वह भारत पाकिस्तान सीमा के घटनाक्रम पर करीब से नजर रखे हुए है, जहां दोनों देशों के बीच तनाव में वृद्धि हुई है। अमेरिका ने इसके साथ ही दोनों देशों को स्थिति का द्विपक्षीय समाधान निकालने की सलाह दी है। विदेश विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने गुरुवार को कहा कि हम तनाव में कमी देखना चाहते हैं। हिंसा निश्चित रूप से क्षेत्र में सीमा पर सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने साथ ही कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी घटना पर करीब से नजर रखे हुए हैं। उड़ान के लिए तैयार भारतीय अर्थव्यवस्था, जयंत सिन्हा ने कहा। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था का खोया विश्वास वापस लाने में कामयाब रही है और अब यह तेज विकास के लिए तैयार है। सिन्हा ने यहां सीबीआई मुख्यालय में सार्वजनिक बैंकों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य भारत की उत्पादक तथा नवाचारी क्षमता का विस्तार करना है। हमारी सोच निवेशोन्मुखी है, हम मुद्रा स्फीति कम करने में सफल रहे हैं। हमारा मानना है कि अब अर्थव्यवस्था तेज विकास के लिए तैयार है। अमेरिका में सैन्य केंद्रों पर गोलीबारी, 5 की मौत। अमेरिका के टेनेसी में 2 सैन्य केंद्रों पर एक बंदूकधारी की गोलीबारी में 4 मरीन मारे गए। एफबीआई ने बंदूकधारी की पहचान मोहम्मद यूसुफ अब्दुल अजीज के रूप में की है। पुलिस के साथ हुई गोलीबारी में बंदूकधारी भी मारा गया। इस हमले में एक पुलिस अधिकारी समेत 3 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस हिंसा की जाँच घरेलू आतंकवाद के रूप में की जा रही है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।